सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। अज 24 अक्तूबर है, दिन शनिवार है ते कल दा दिन काफ़ी अहम रहण वाला है। पंजाब दे विच किसानी संघर्ष नूं लैके कल नूं पूरे पंजाब दे विच कल दुशहरे वाले दिन पुतले फूके जाणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे, मुकेश अंबानी दे अते गौतम अडानी दे, अते कल भी यानी कि 23 अक्तूबर नूं भी एक किसान जथेबंदी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सद्दे उत्ते बहुत सारे जिलों के विच इन्हां तिन्हां दे पुतले फूके गए ते खास तौर पर बीबिया ने शमूलीयत जिहड़ी खास तौर पर की। अज एक किसान जथेबंदी की बैठक भी होएगी पंप डीलरां की मांग के उत्ते विचार करन दे लई। उगराहां धड़े ने मुड़ तो रेलवे ट्रैक रोक लए ने, धरने शुरू कर दिते ने। निजी थर्मल प्लांटां नूं कोला सप्लाई नहीं होण दित्ती जाएगी। बादलों दीआं बसां दा घिराओ भी किसानां ने शुरू कर दिता है। बणावाला थर्मल दा राह है जिहड़ा उह बंद भी कर दिता गया। ते मोगा दे विच किसानां ने अडानी दे गोदाम दे विच्चों अनाज भरन वास्ते आई माल गड्डी नूं प्लांट दे अंदर ही बंद कर दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे ने कि मंडी ते MSP दा बहाना है, असल विच दलालां ते विचोलियां नूं बचाउणा है। कह रहे ने कि किसान नहीं जिहड़े धरनियां ते बैठे ने, इह दलाल हैगे ने। पंजाब दे विच खेती कानूनां विरुद्ध प्रदर्शनां पिछे किसान नहीं बल्कि दलाल ने। BJP प्रधान JP नड्डा ने भी यह बयान दिया। उस तो बाद अकाली दल दे जिहड़े बुलारे दलजीत चीमा ने मांग की है कि किसानां तों माफ़ी मंगण। अजिहे BJP लीडर अते अपने बयान वापस लैण। खहरा भी काफ़ी तिखी प्रतिक्रिया दे गए ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह MSP दे उत्ते खरीद करे जां फिर गद्दी छड्डे, यह मांग की है भगवंत मान ने। व्यापारी खुदकुशी मामला बठिंडा दा, उहदे विच यूथ कांग्रेस के आगू समेत 4 गिरफ्तार कर ले गए ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सुखबीर बादल का कोई भी नैतिक आधार नहीं है, यू टर्न लै लैंदे ने हर मसले के उत्ते। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने DGP नूं 6 साल बच्ची नाल बलात्कार ते कतल मामले की जांच दे हुक्म दे दिते ने। ते कैप्टन साहब ने BJP लीडरां नूं भी ताड़ना की है कि जिहड़ा तुसीं पंजाब दा माहौल खराब करन दी कोशिश कर रहे हो, भाईचार किसान दे विच वंडियां पाउण दी कोशिश कर रहे हो, मैं इह होण नहीं देंगा। दिवाली ते गुरपुरब मौके सिर्फ 2 घंटिया दे लई ही पटाखे चलाउण दी इजाजत होएगी साहिबजादा अजीत सिंह नगर दे विच। पर असीं सब नूं खालस TV दे वल्लों अपील करदे हां कि दिवाली होवे चाहे गुरपुरब होवे, पटाखे चला के प्रदूषण ना फैलाओ। इहदे नाल घटनावां भी वापरदियां ने, इहनां तों असीं सारे बच के रहिए। लुधियाणा दे विच शर्मनाक कारा वापरिया। चलदी कार दे विच एक लड़की दे नाल जबर जनाह कीता गया। गंडे दीआं कीमतां काफ़ी वध गईआं ने ते केंद्र सरकार ने वड्डा ऐलान कर दिता है। पंजाब दीआं खबरां दे विस्थार दे विच सब तो पहलां पंजाब दे विच किसान संघर्ष दे विच शामिल जिहड़ी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां है, उसने नवां ऐलान कर दिता है। मोर्चे संबंधी अपने नवें प्रोग्राम का ऐलान किया है। कहा इस दे मुताबिक निजी थर्मलां दी कोला सप्लाई रोकण लई रेल लाइनां दे उत्ते मुड़ तों धरने ला दित्ते गए ने। जिस तों बाद मानसा ज़िले दे बणावाली थर्मल नूं जांदी रेल पटड़ी ते धरना 23 अक्तूबर नूं ही शुरू कर दिता गया। राजपुरा थर्मल दी कोला सप्लाई भी जल्दी ठप्प करन दा ऐलान कीता है। जथेबंदी ने फैसला लिया कि सरकारी थर्मलां दी कोला सप्लाई जारी रहेगी पर निजी कंपनियां नूं इस दी इजाजत नहीं होवेगी। नाल ही जथेबंदी दे जिहड़े लीडर हैगे ने उन्हां ने कहा कि 5 नवंबर दे देश व्यापी चक्का जाम नूं अपने आजाद एक्शन राहीं असीं सफल बनावांगे। आगुआ ने यह भी कहा कि SR कंपनी के पेट्रोल पंप के डीलर ने सानू चिट्ठी लिखी है ते उस चिट्ठी दे संबंधी असी 24 अक्तूबर नू मीटिंग करन जा रहे हैं। उस दे विच फैसला करांगे कि SR दे जिहड़े पेट्रोल पंप ने उन्हां दे डीलर नू कोई राहत देनी है जां नहीं देनी। 25 अक्तूबर नू दशहरे मौके पंजाब दे 14 जिलों दे विच 41 वख-वख थावां ते BJP कारपोरेटां ते विदेशी कंपनियां दी तिकड़ी दे दिओ कद पुतले फूके जाणगे। इस संबंधी भी दावा कीता है कि लोगों के विच वड्डा उत्साह है ते समर्थन भी मिल रहा है ते पंजाब दे सारे लोग इस पुतला फूक मुजारे दे विच उन्हां दा पूरा साथ देणगे। सो जथेबंदी दे ऐलान तो बाद मानसा दे बणावाली थर्मल प्लांट दे मुख गेट दे बाहर जिहड़ा धरना लग्गिया सी उस नूं हुण रेलवे ट्रैक दे उत्ते बदल दिता है। किसानां ने पहला मुख मार्ग ते बैठे सी ते हुण रेल मार्ग दे उत्ते आ के बैठ गए ने तां कि इह जिहड़ा प्राइवेट भाईवाली वाला थर्मल प्लांट है इस दे अंदर कोई भी माल गड्डी कोला लैके ना जा सके।
अगली खबर मोगा के किसानों के नाल जुड़ी हुई है। मोगा के किसानों का लगातार धरना लग्या होया। इत्थे भी भारतीय किसान यूनियन एकता उगराह की अगवाई दे विच धरना लग्या ते बाकी किसान जथेबंदियों की एकता वाला धरना इत्थे लग्या होया। इत्थे किसानों ने अडानी के गोदामों के अनाज भरन वास्ते आई माल गड्डी नू प्लांट के अंदर ही बंद कर दिता। दरअसल 2.25 लाख मीट्रिक टन समर्था वाले अडानी के गोदाम के अनाज भरन जदों माल गड्डी आई किसानों नू पता लग गया तो किसान उत्थे कट्ठे हो गए। पूरे शहर के जिथे वक्-वक् थावां दे उत्ते किसानां ने धरने लाए से उह सारे उत्थे मौके दे उत्ते पहुँच गए। किसानों ने अडानी प्लांट का गेट बंद करके माल गड्डी अंदर डक दिती। इस दौरान सिविल ते पुलिस अधिकारी मौके ते पहुंचे ते अडानी प्लांट प्रबंधकां ने किसानां नूं भरोसा दिता कि इत्थों अनाज लोड नहीं किया जाएगा, पर फिर भी किसानां ने सिर्फ गड्डी दा इंजन ही बाहर जाण दिता। गड्डी दे डब्बे अंदर ही प्लांट दे बंद कर दिते ते गेट नूं ताला ला दिता। इस मौके किसान लीडरां ने स्पष्ट किया कि जथेबंदियों के सांझे फैसले के मुताबिक माल भाड़ा गड्डिया ने वो जिहड़ियां सिर्फ ते सिर्फ कोले की ढोआ ढोआई कर सकदियां ने। कारपोरेट घराणियां दे अंदरों माल गड्डिया लोड नहीं करन दित्तियां जाणगियां। उन्होंने कहा कि लंघी रात स्थानक रेलवे स्टेशन के उत्ते एक रेलवे मुलाजम ने किसानों का बिजली पानी बंद कर दिता सी तां पुलिस नूं दखल देना पिया सी ते मुलाजम नूं किसानों के रोह का भी सामना करना पिया सी। रात नूं इस सरकारी मुलाजम ने रेलवे स्टेशन ते धरना ला के बैठे किसानों का बिजली ते पानी बंद कर दिता सी। फिर इन्होंने मुलाजम के ड्यूटी रूम मूहरे जाके नारेबाजी की ते GRP पुलिस के दखल मगरों किसान ने जिहड़े ओह शांत होए। ये मोगा की खबर सी। हुण तुहानूं खबर दसदे आ कि पंजाब दे विच हुण बादलां दीआं बसां दा घिराओ करना भी शुरू कर दिता है किसानों ने। पहला सब तो पहली खबर जंडियाला गुरू तो आई सी, अमृतसर के जंडियाला गुरु तो, जिथे किसानों ने ऑर्बिट बस जिहड़ी बादलों की मालकी वाली बस है उसनू रोक के नारेबाजी की सी, घिराओ किया सी। ते उस तो बाद यह भी हुण सामने आया कि ऑर्बिट बसों के नाम है जिहड़ा ऑर्बिट लिखा हुआ नाम है उसनू लुको दिता है बसों वालिया ने, तो बसा चला रहे ने। 23 अक्टूबर उस तो बाद पंजाब दे विच एक होर तस्वीर सामने आई जिथे पंजाब के किसानों ने ऑर्बिट बस नू रोक लिया। वह कहिंदे चाहे तुसी अपना नाम परचियां ला के किन्ना मर्जी ढक लो फिर भी असी थानू रोकांगे, तुसी हुण किसानों तो बच नहीं सकते। इल्ज़ाम लाया कि बादलों ने भी रज के लुट्टिया है पंजाब नू ते पंजाब के किसानों का, इन्होंने भी अज तक कदे भला नहीं किया। तो उस पार्टी के भाईवाल सीगे अकाली दल वाले जिहड़ी पार्टी ने काले कानून लैके आते हैं, तो बादलों की ऑर्बिट मुर्दाबाद के नारे ने जिहड़े ओह गूंजे बस के आले दुआले। ऑर्बिट जिहड़ी आ टेप ला के ढक्की आ बादल टोली मुर्दाबाद, बीजेपी ते बादल मुर्दाबाद, मोदी दा भाईवाल बादल मुर्दाबाद, बादल दिया ऑर्बिट बसा मुर्दाबाद, बादल सरकार मुर्दाबाद, आ बादल दिया ऑर्बिट बसा मुर्दाबाद, आ 600 बस वाला बादल मुर्दाबाद, बादला तेरा बेड़ा गरका, बादला लुट के खा गया पंजाब तेरा बेड़ा गरका, बादला ना रवे कख ना, बादला दी ऑर्बिट मुर्दाबाद, बादला दी ऑर्बिट मुर्दाबाद। आ बादला ने अपनी ऑर्बिट बस ते टेप ला के टक्की आ, क्योंकि आ इन्हां नूं हुण डर लगदा पंजाब दे विच। पहला काला धन इकट्ठा करके ये जिहड़ियां बसां बनाईआं मर्सिडीज़ वैलवो, उन्हां अज बसां नूं खतरा पंजाब दे विच, लुट दा माल जो इन्हां ने अज पंजाब दे विच लिआंदा ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਲਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਆ। ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ स्वै भरोसा है कि उन्होंने बहुत ही वधिया बिल लिया है किसानों की खातर। बिहार दे विच पहुंचे सीगे अपनी पार्टी दे प्रचार दे लई, क्योंकि बिहार दे विच विधानसभा चोणां सिर ते आ गई ने। प्रधानमंत्री ने उत्थे एक बयान दिता, कहिंदे किसानी मुद्दों नूं लैके किसानों के वास्ते जिहड़े असी खेती कानून लियांदे ने उन्हां तों असी एक इंच भी पिछे नहीं हटांगे। धारा 370 रद्द की है, रद्द ही रहेगी, उस पर भी असी डटे रहांगे। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इत्थों तक कह दिता कि देश ने किसानों नूं विचोलियां ते दलालां तो मुक्त करन दा फैसला लिया है, तो विरोधी धिरां इन्हां दलालां दे पक्ष विच खुल के मैदान च नितर आईआं ने। कहिंदे मंडी ते MSP तां बहाना है, असल विच दलालां ते विचोलियां नूं बचाना है। सो प्रधानमंत्री किसानों नूं दलाल कह रहे हैं। उधर जिहड़े भाजपा के प्रधान JP नड्डा, उन्होंने भी एक दिन पहला 22 अक्तूबर नूं कहा कि पंजाब दे विच खेती कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शनों के पिछे किसान नहीं हैगे बल्कि दलाल ने। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने तो मजदूरों नूं अपनी जिनस पहला ही निर्धारित मंडियां ते व्यापारियों नूं वेचण की गुलामी तो मुक्त किया है, ते जे राहुल गांधी किसानों के हामी होंदे पक्षी होंदे ता वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अज धन्नवाद कर रहे होंदे, अज वह विरोधता ना कर रहे होंदे। सो ये दावे कर रहे हैं कि असी किसानों के हक के चंगा ही किया, पर किसान चीख चला के कह रहा है कि सानू इन्हां कानूनों की लोड़ नहीं है, सानू मार देंगे। उस तो बाद फिर पंजाब दे विच जिहड़े सियासी पार्टियां दे लीडर ने वह भी हुण विरोध दे विच खुल के सामने आ रहे हैं। अकाली दल दे बुलारे डॉक्टर दलजीत चीमा ने कहा कि BJP नूं शर्म आनी चाहीदी अपने इस बयान दे उत्ते, ये बयान वापस लैना चाहीदा है ते किसानां तों माफ़ी भी मंगनी चाहीदी है। किसानां नूं दलाल कहण वाली BJP दे जिहड़े लीडर हैगे ने, उन्होंने किसानों के अले जख्मों के उत्ते लूण छिड़किया। किसानों इस तरह नाल अपमानित नहीं करना चाहिए, जलील नहीं करना चाहिए, मसले का हल करना या ना करना वक्री गल है। नड्डा साहब का जो बयान है वह किसानों के अले जख्मों के उत्ते नमक छिड़कने वाला, क्योंकि जेड़े किसान अपन हकी मंगा वास्ते संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने ये कहना कि बिचौली है, मैं समझदा इस तुम माड़ी और मदभागी गल हो भी हो नहीं सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर साहबान बेनती करता कि मसले का हल करना या ना करना वह तो एक वक्रा विषय है, पर घट्टो घट जिमीदारा तुम अपमानित ना करो। पहला उन्होंने दिल्ली बुला लिया, अपन 10 टीम पंजाब दे विच उन्होंने खिलाफ़ प्रचार करने वास्ते तोड़ दित्तियां, तो दिल्ली एक अफसर उन्होंने अगे बिठा के उन्होंने जलील किया। जो अपने हकों वास्ते संघर्ष कर रहे हैं तुम कहते बिचौलीए है फलाने हैं, मैं समझदा कि इस तरह दलों तो थोड़ू ग्रेज करना चाहिए, हालात खराब नहीं करने चाहिए, ये बयान वापस लेना चाहिए और सारे किसानों तो माफी मंगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नैशनल प्रेजिडेंट JP नड्डा किसानों के संघर्ष की तोहीन कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कहते जी किसान नहीं संघर्ष कर रहे पंजाब दे विच, ये तो विचोलीए ने जिहड़े संघर्ष कर रहे हैं। मैं समझदा कि एडे रिस्पोंसिबल पोजिशन ते बैठ के एक नैशनल प्रेजिडेंट बजाए कि किसानों के मसलों का हल कर, सारे पंजाब च हाहाकार मची हुई है, बच्चा बच्चा मोदी के बनाए कानूनों रद्द कर चुका वा, पंजाब की विधानसभा रद्द कर चुकी है, सारे वर्ग रद्द कर चुके हैं, लेकिन नड्डा साहब न हले बिचोलीए दिस रहे हैं। और मैं समझदा कि यह तो वह गल होगी कि नाले तो साढ़े तो जुल्म ढाते ने, नाले सानू कुटते ने, तो सानू रोस प्रदर्शन कर शांतमई ढंग का भी अधिकार साढ़े को खोना चाहते हैं, और सानू धक्के ना कही जाते हैं कानून पंजाब के वास्ते बहुत चंगे, भी जे चंगे ने तुसी बाकी अपने देश में लागू कर दो, पंजाब नू कृपा करके बख्श दो। तो खेतीबाड़ी कानूनों के मुद्दे से सुखबीर बादल जिहड़े अकाली दल के प्रधान ने, उन्होंने 22 अक्तूबर नू प्रेस कॉन्फ्रेंस की सी, कैप्टन सरकार नू रज के भंडिया सी, कहा कि सानू बिल का खरड़ा कोई होर पढ़ाया गया, साइन किसी होर ते करवा ले, ते नाल ही ये भी दावा किया कि जदों अकाली दल की सरकार आ जाएगी पंजाब दे विच तां असी सब तो पहला सूबे नू सरकारी मंडी ऐलान देंगे। हुण कैप्टन साहब ने भी मोड़वां जवाब दिता है, कहा कि खेती कानूनों के मुद्दे के उत्ते वार वार यूटर्न लैण वाले सुखबीर बादल का नैतिकता तो सखना चेहरा बेनकाब हो गया। कह के श्रोमणी अकाली दल प्रधान ने अपनियां सौड़ियां सियासी चालां ते झूठ नाल किसानां दे हितां नूं वार वार ढा लाई है, ते उस दियां इह सियासी पैंतड़ेबाजियां साफ तौर ते केंद्र सरकार दे किसान विरोधी एजेंडे नूं अगे वधा रहियां ने।
मुख्यमंत्री कहते सूबे के सोध बिलों जिन्हों सुखबीर की पार्टी ने विधानसभा च समर्थन किया उन्होंने रद्द करके सुखबीर ने ना सिर्फ अपने नैतिकता तो सखने होने का प्रगटावा शरेआम किया सगों बीजेपी लीडर के हालिया बयान की भी प्रोड़ता की है। तो कैप्टन कहते हैं हाले भी इन्होंने दोवों की यानी कि अकाली दल बीजेपी की गंढ धुप है। उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के उत्ते भी वरे ने उन्होंने कहा कि अपने सियासी हितों की पूर्ति लिए जाति आधार के उत्ते समाज में वखरेवें पाने की कोशिश कर रही है बीजेपी पार्टी ते वह बीजेपी नू इस सौड़ा एजेंडा पंजाब दे उत्ते थोपण नहीं देंगे। सो जिहड़ी इन्हां ने जलंधर तो दलित इंसाफ यात्रा कढ़नी सी जिहड़ी शुरू होण तो पहले ही खत्म हो गई सी उस दे बारे मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बीजेपी लीडरां नू किसी भी कीमत ते पंजाब दा शांतमई माहौल विगाड़न नहीं देवांगा ये सिर्फ पंजाब नू वंडियां पाउण दीआं चालां चल रहे ने। उधर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दे डीजीपी दिनकर गुप्ता नू हुशियारपुर जिले दे विच 6 साला बच्ची दे नाल बलात्कार तो बाद कतल के मामले की मुकम्मल ते ढुकवीं जांच करन दी ताकीद की है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी नू कोर्ट विच चलान पेश करन दे लई भी कहा। दरअसल बुधवार नू टांडा दे विच एक घर चो 6 साला बच्ची की अध सड़ी लाश बरामद हुई सी। बच्ची नाल कथित बलात्कार करन तो बाद उसकी हत्या कर दिती गई सी ते फिर उसनू अग भी ला दिती गई सी। मुख्यमंत्री ने इस घटना ते दुख का प्रगटावा किया है। पुलिस ने इस मामले में गुरप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति और उसके दादे सुरजीत सिंह नू गिरफ्तार करके उन्होंने खिलाफ कतल बलात्कार ते पोक्सो एक्ट दियां वख-वख धाराएं के तहत केस दर्ज किया। पीड़ित बच्ची एक प्रवासी मजदूर की धी है। इस मसले के विच पंजाब राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन मलीशा गुलाटी ने भी पिंड जलालपुर के विच इस घटना नू लैके पीड़ित परिवार के नाल दुख सांझा किया हमदर्दी का प्रगटावा किया। जिला पुलिस मुखी नू कहा कि वह इस मामले की जांच नू तेजी दे नाल मुकम्मल करन ते आउंदे कुछ दिनों के अंदर अंदर चलान अदालत दे विच पेश करन तां जो दोषियों नू मिसाली सज़ा यकीनी बनाई जा सके। सो ये बहुत ही शर्मनाक कारा है बहुत ही घिनौनी हरकत है जिहड़ी पंजाब दे विच कीती गई है ते इस मसले दे दोषियों नू सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहीदी है इसकी असी भी मंग करदे हां। अगे लुधियाणा तो भी अजिही खबर है जिहड़ी शर्मसार करन वाली सामने आई है जिथे चलदी कार दे विच एक लड़की दे नाल बलात्कार का मामला सामने आया। जन्मदिन की पार्टी बहाने औरत नू होटल कोल बुला के चलदी कार दे विच उसदे नाल सारी रात जबर जनाह जिहड़ा कीता गया। इस मामले विच एक व्यक्ति कार चलाउंदा रहा ते नौजवान पिछली सीट दे उत्ते औरत नाल दरिंदगी करदा रहा। थाणा सराबा नगर की पुलिस ने पीड़ित औरत दे बयानां दे उत्ते न्यू BRS नगर वासी रोहित कुमार ते न्यू राजगुरु नगर के रहने वाले प्रशांत शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोवां नू गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर गंडे दे आसमानी चढ़दे भाव दे नाल जुड़ी हुई है। इस दे मद्देनज़र केंद्र सरकार ने आम लोगों नू राहत देण दी गल कह के सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों केंद्र दे जिहड़े बफर स्टॉक हैगे ने राखवें भंडार हैगे ने उन्हां विच्चों गंडे की खेप चुकण दे लई कह दिता है ते उत्थे गंडे दे जिहड़े थोक ते परचून वपारियां दे फसल भंडार करन दे उत्ते जिहड़ी लिमिट है वह निर्धारित कर दिती है ते 31 दिसंबर तक ये लिमिट लागू रहेगी। परचून व्यापारियों के लिए भंडार लिमिट 2 टन रहेगी हुण ते थोक दे व्यापारियों 25 टन रहेगी ये जिहड़ी लिमिट है। इस तो वध ये प्याज भंडार नहीं कर सकते इस तो वध स्टॉक नहीं हो सकता। पूरे मुल्क दे विच वख-वख शहरां दे विच गंडे दीआं कीमतां ने जिहड़ियां वह 70 रुपए तो लैके 120 रुपए तक वध गईआं ने। पंजाब दे विच भी 80 रुपए तो वध है जिहड़ा वह प्याज विक रहा है वख-वख थावां दे उत्ते वख-वख रेटां दे मुताबिक गंडा विक रहा है। अगली खबर बठिंडा तो है जिथे वीरवार नूं अपने परिवार की गोलियां मार के हत्या करन तो बाद खुदकुशी करन वाले दविंदर गर्ग की तबाही दे लई चिट फंड कारोबार कसूरवार है ये गल सामने आई है। दिल दहलाउण वाली इस घटना दे विच हुण तथ ने जिहड़े वह सामने आ गए ने जिहड़े दसदे ने कि एक हसते बसते परिवार की बली है जिहड़ी वह किस तरीके दे नाल चिट फंड कारोबार ने लै लई। सरदे पुजदे लोगों के गिणिया जाता सी दविंदर गर्ग का यह परिवार माड़े दिन उदों शुरू होए कहिंदे जदों इसने चिट फंड धंधे विच पैर धरिया सी। निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़प के फरार होने वाली चिट फंड कंपनी क्राउन दे विच भी इसने पैसा लाया सी। दविंदर ने करोड़ों रुपये खर्च करके आलीशान कोठी बनाई जिसनों देनदारियां कारण कौडियां दे भा एक दिन वेचना पै गया। आर्थिक चोटां दे कारण दविंदर मानसिक तौर पर बहुत ही परेशान चलिया आ रहा सी जिस परेशानी ने उसनू अपनी पत्नी अपने बच्चियां ते अपनी जान लैण दे लई मजबूर कर दिता।
हुण गल कर लैने करोना की। पंजाब दे विच करोना टैस्ट नूं लैके शुरू तो लैके ही सवाल उठते रहे ने। विधानसभा सैशन तो पहला कांग्रेस के पठानकोट तो विधायक जोगिंदर पाल ने पठानकोट के सिविल हस्पताल दे विच करोना टैस्ट करवाया सी। रिपोर्ट पॉजिटिव आई सी, पर जदों प्राइवेट लैब तो टैसट करवाया तो रिपोर्ट नैगेटिव आई। विधायक जोगिंदर पाल ने हुण दोवें रिपोर्टां मीडिया के सामने रखियां ने। सिविल हस्पताल पठानकोट ते इल्जाम लाया कि उन्हां नाल करोना टैसट दे विच गड़बड़ी की गई है, हस्पताल विच सही तरह दे नाल टैसट नहीं किए जा रहे। इस मामले दे विच जोगिंदर पाल ने भी कहा कि वह सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू नूं भी चिट्ठी लिख रहे हैं। सिविल सर्जन कह रहे हैं रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, हो सकता है वायरस का लोड उस वेले घट होवे, इसलिए प्राइवेट लैब दे विच रिपोर्ट नैगेटिव आई होवे। तो जून महीने अमृतसर के एक लैब के वलों करोना का टैसट फर्जी करन का मामला भी सामने आया सी, जिस तो बाद विजिलेंस के वलों केस है जिहड़ा वह दर्ज किया गया। जांच के सामने आया सी कि फर्जी रिपोर्ट तो बाद फर्जी इलाज के जरिए लोगों तो पैसे ठगे जा रहे सी। विजिलेंस ने इस मामले में तीन डॉक्टर खिलाफ केस भी दर्ज किया सी। तुली लैब के मालक टैसट करवाने वाले अमीर लोगों की करोना टैसट पॉजिटिव रिपोर्ट बना देंदे सी ते इलाज दे बहाने उन्हां दा इलाज करदे सी। सत दिन तक फर्जी इलाज करके मुड़ तो टैसट करवा के रिपोर्ट नैगेटिव दे देंदे सी। सो कोई भी मसला होवे इस मुल्क दे विच लोक चोर मोरियां कढ़ ही रहिंदे ने पैसे कमाउण दे लई ते लोकां नूं लुट्टण दे लई। अगली खबर है कि पंजाब सरकार ने प्रिंसीपलां हैडमास्टरां ते ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन अफसरां दीआं 585 असामियां भरन लई सोधे हुए नियमां तहत प्रक्रिया शुरू कर दिती है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग ने जानकारी दिती है कि स्कूली बच्चों गुणात्मक सिक्ख्या देने दे वास्ते स्कूली ढांचे नूं होर मजबूती प्रदान करन दे लई सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला की प्रवानगी तो बाद भर्ती का अमल शुरू कर दिता गया। इहदे विच प्रिंसीपलां दीआं 173, हैडमास्टर हैडमिस्ट्रेस दीआं 337 ते ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन अफसरां दीआं 75 असामियां शामिल ने। विभाग ने हुण भर्ती लई नवें तनखाह स्केल लागू करन तों इलावा कुछ होर सोधां भी कीतीआं ने। अगली खबर है कि कोविड-19 के चलदियां मार्च 2020 की सालाना प्रीख्या के 10वीं के ओपन ते 12वीं के सप्लीमेंटरी ते स्पैशल चांस प्रीख्या संबंधी बोर्ड की डेटशीट जारी कर दी गई है। ये प्रीख्यावां 26 अक्टूबर नूं शुरू होणगियां। इस संबंधी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वल्लों सारियां हदायतां भी जारी कर दित्तियां गईयां ने ते प्रीख्या केंद्र भी स्थापित कर दित्ते गए ने। प्रीख्या नाल संबंधित प्रश्न पत्र मुख दफ्तर तों बोर्ड के खेतरी दफ्तरां विच पहुंचाए जाणगे ते बैंक शाखावां दे विचों प्रिंसीपल्स कम केंद्र कंट्रोलर प्रश्न पत्र प्राप्त किए जा सकणगे। प्रीख्यार्थियों नूं पारदर्शी बोतल दे विच अपने नाल पीण वाला पानी लिआउण दी इजाजत होएगी। कोविड-19 दे चलदियां प्रीख्यार्थियों नूं कोई भी चीज़ एक दूसरे बच्चे नाल सांझी करन दी आग्या नहीं होवेगी। प्रीख्या शुरू होण तों पहलां 1 घंटा पहला पहुँचना जरूरी होगा। प्रीख्या केंद्रां दे विच 2 दिन पहला सफाई ते सैनिटाइजेशन दीआं हदायतां जारी कर दित्तियां गईआं ने। अगली खबर है कि हरियाणा ने अपने कानूनों विचों पंजाब दा नां हटाउण दी हुण पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा नूं पंजाब तो वक्खरा होए 55 साल हो चुके ने ते हुण हरियाणा ने अपने कानूनों विचों पंजाब शब्द हटाउण दी प्रक्रिया जिहड़ी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दित्ती है। हरियाणा विधानसभा दे स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने इसकी जानकारी दित्ती है कि इस संबंध में यतन शुरू करन तो बाद हुण सूबा सरकार ने इस लई बकायदा कमेटी का गठन भी कर दिता है ते सूबा सरकार ने करीब 237 कानूनों विचों पंजाब शब्द हटाउण दे लई इस कमेटी का गठन किया है। अगली खबर है कि पंजाब दे विच पटाखे वेचण दे लई आरजी लाइसेंस का ड्रॉ 5 नवंबर नूं कढ़िया जाएगा। पटाखियां दी विक्री 12 तों 14 नवंबर तक सिर्फ 3 दिनां तक ही हो सकेगी। दिवाली ते प्रकाश पुरब मौके केवल 2 घंटियां लई ही पटाखे चलाए जा सकणगे। चाइनीज़ पटाखियां दी विक्री अते वरतों दे उत्ते पाबंदी है जिहड़ी उह ला दित्ती गई है। पंजाब दे विच सरकार दे वल्लों गाइडलाइनस ने जिहड़ियां उह जारी कर दित्तियां गईयां ने ते पटाखे वेचण दे आरजी लाइसेंस लैण लई केवल जिहड़े मोहाली दे चाहवान नागरिक हैगे ने उह अपणियां दरखास्तां 28 अक्टूबर तों 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तों पहलां जिले दे वख-वख सेवा केंद्रां विच अपलाई कर सकदे ने। www.punjab.gov.in तों भी फॉर्म डाउनलोड करके अपने जिहड़े दस्तावेज़ ने इत्थे अपलोड कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वह होगी। तो दिवाली वाले दिन 14 नवंबर नूं दिवाली है, उस दिन शाम 8 बजे तो रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकणगे। ये सिर्फ साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दीआं हदायतां ने। तो 30 नवंबर नूं गुरपुरब वाले दिन सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक, शाम नूं 9 बजे तो 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जाण दी इजाजत है जिहड़ी उह दित्ती गई है। दिवाली मौके पटाखे वेचण दीआं तरीकां 12, 13 ते
14 होणगियां, 14 नवंबर होणगियां, सवेरे 10 बजे तो शाम 7:30 बजे तक पटाके वेचे जा सकते हैं। तो गुरपुरब मौके 29 ते 30 नवंबर नूं सिर्फ 2 दिन सवेरे 10 बजे तो 7:30 बजे तक ही पटाखे वेचे जा सकते हैं। ये जिहड़े नवे नियम ने वो लागू किए गए हैं। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहते हैं। तो जांदिआं दे तुहानूं बड़ी अहम जानकारी असीं देना चाहते हाँ कि अज द खालस टीवी ते असीं चंडीगढ़ प्रैस क्लब तो 11:30 बजे तो सवेर तो एक लाइव टैलीकास्ट करांगे। ये लाइव टैलीकास्ट शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा नूं समर्पित है। उन्हां दे नाम दी एक बुक है जिहड़ी द वॉलियंट जसवंत सिंह खालड़ा वो रिलीज़ की जानी है। उस किताब दे रिलीज़ मौके शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी बीबी परमजीत कौर खालड़ा खास तौर पर पहुँच रहे ने ते उन्हां दे जिहड़े वकील ने वो भी पहुँच रहे ने। तो ये जिहड़ा सारा प्रोग्राम का सीधा प्रसारण असी द खालस टीवी के यूट्यूब चैनल पर करांगे। कुछ इंटरव्यूज़ ने जिहड़ियां वो भी तुहानूं बाद चो असी दिखावांगे। बाकी जनरल खबरां ने जिहड़ियां वो देखण दे लई तुसी खालस टीवी देखते रहना। प्राइम टाइम दे विच फिर तो मिलांगे। किसानां दे संघर्ष दे विच तुसी लगातार अपना योगदान जिवें दा भी पा सकते हो जरूर पाओ। धन्यवाद।